सो एग्जाम्पल 5.11, हाँ सो एग्जाम्पल 5.11 क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स जो है उसको हमें स्लो करना है, ठीक है, ओके तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ओके ऐसा हमें करना पड़ता है. इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड मस्ट बी स्लोड टू 10^3 मीटर पर सेकेंड, मतलब हाई स्पीड वाला न्यूट्रॉन मतलब उसकी स्पीड गिवन है टिपिकली 10^7 पावर की उसकी स्पीड होती है, 10^7 मीटर पर सेकेंड, मतलब सोचो तो 10^3 में 1 किलोमीटर होता है, ओके सो 10^3 तो 1000 किलोमीटर हो गए, 1000 किलोमीटर हो गए ना, ओके क्योंकि और 3 जुड़ गए हैं, ओके सो 10^7 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर उसको हम कन्वर्ट कर ले, 10^7 है सो मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 10^7 इंटू 10^-3 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो गया 10^4 किलोमीटर पर सेकेंड, 10^4 मतलब 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो अब ज्यादा लगता है, वो छोटा छोटा लगता था, ओके तो 10,000 किलोमीटर एक सेकेंड में, सोचो एक सेकेंड में न्यूट्रॉन 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कितना फास्ट स्पीड है, उसको हमें स्लो करना है, ओके इसको हमें स्लो कर, सही गिना है ना, कुछ गड़बड़ी नहीं गिना, 10^7 था मीटर का किलोमीटर में 10^-, हाँ सही है, तो एक सेकंड में इतना ज्यादा ट्रैवल करता है, ओके सो मस्ट बी स्लोड डाउन टू 10^3 मीटर पर सेकंड, 10^3 मतलब 1 किलोमीटर हो जाएगा फिर, ओके यहां से ही उसकी स्पीड कहां लानी है, 1 किलोमीटर पर सेकंड तक उसकी स्पीड लानी है, ओके स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन मतलब हमें ऐसा ही करना है, ठीक है, क्यों भाई क्यों करना है, सो दैट इट कैन हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग विद द आइसोटोप ऑफ से यूरेनियम 92-235, ये 92 क्या है, और 235 एटॉमिक मास, यस सो एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर हाँ मतलब वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ व्हाट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एटॉमिक ना, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके जितने ही होते हैं, सो बोथ, ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट न्यूट्रॉन नहीं आएगा, नॉट न्यूट्रॉन, ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही उसमें चेंज हो जाता है कई कई में, तो 92 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92 है, तो ये हमने न्यूमेरिकल किया था, अगर मैं बोलू कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तो तुम पता कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो, 92 प्लस 92 तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और बाकी बचे न्यूट्रॉन, किस में से बाकी बचे, नहीं वो नहीं हुआ, अच्छा चलो ये तो हम केमिस्ट्री में चले गए, लेकिन फटाफट दिखा देता हूँ, यूरेनियम 92-235 तो ये शो कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नहीं बोलेंगे, एंड बोलेंगे, एंड मतलब साथ में नहीं है तो और ही बोल दूंगा, और से प्रोटॉन, ओके और ये क्या शो कर रहे हैं, ये है हाँ मास है, बट किसका से नंबर ऑफ कौन कौन है उसमें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के एटॉमिक मास है ना, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास मतलब एटॉम का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का तो निगलेक्ट करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके 235 है और प्रोटॉन है 92, तो मतलब यहाँ 92 है, तो न्यूट्रॉन कितने है, न्यूट्रॉन है 235-92, वो हो जाएंगे हमारे न्यूट्रॉन, डायरेक्टली एक ही बार माइनस करना है, दो बार नहीं, ओके सो ये तो हमारा आ गया, कॉजिंग इट टू फिशन, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है,
एक तो होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन. फिशन का मीनिंग होता है टूटना, याद रखना, और फ्यूजन का मीनिंग होता है जुड़ना. ओके, नहीं बोलते कि दो गानों का फ्यूज कर दिया, फ्यूजन, गानों का फ्यूजन बनाया, मतलब मिक्स कर दिया. तो मिक्स हो रहे तो फ्यूजन, और टूटे तो फिशन. अच्छा, तो हमें फिशन U30 मतलब यूरेनियम का हमें फिशन करना है. तो यूरेनियम का फिशन करने के लिए हमें उसको किसी से मारना पड़ेगा, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. तो किससे मारेंगे हम? न्यूट्रॉन से मारेंगे. अच्छा, शो दैट न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन. मतलब अगर हम इलास्टिक कोलिजन करवाए तो हमें ये शो करना है कि न्यूट्रॉन अपनी मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी उसमें लूज कर दे रहा है. ओके, इन एन इलास्टिक कोलिजन विथ अ लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम जो होता है लाइक ओके, मतलब कि लाइट न्यूक्लियाई, नॉट लाइक, लाइट न्यूक्लियाई मतलब कि वो उसका मास उतना ज्यादा होता नहीं है. सो लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटेरियम और से कार्बन विच हैज अ मास ऑफ ओनली अ फ्यू टाइम्स ऑफ द न्यूट्रॉन मास. मतलब न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा ही मास ज्यादा होता है. किसका? ड्यूटेरियम का और से कार्बन का. ऐसा क्यों? पहले चलो ये समझ लेते हैं पहले ऐसा क्यों किया. बहुत ज्यादा मास, जैसे कल ही हमने दो केस देखे थे लास्ट में स्पेशल केस, कि अगर दोनों के मास सेम हो तो, और एक का मास बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू द सेकंड वन. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक ट्रक है और ट्रक पे हमने बॉल मारा. ओके, तो ट्रक पर बॉल मारा, ट्रक का मास खतरनाक वाला और बॉल का मास कुछ भी नहीं. तो अगर ऐसा हुआ तो बॉल टकराएगा और पीछे आ जाएगा. तो अगर इतना ज्यादा डिफरेंस होगा दो मास में तो क्या होगा? न्यूट्रॉन टकराएगा और फिर वापस आ जाएगा. तो उतना ज्यादा मास का डिफरेंस नहीं चाहिए. तो कितना चाहिए? थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा. सपोज कार है और कार टकराई ट्रक के साथ, तो अब वो ट्रक की वेलोसिटी को भी चेंज करेगी, ट्रक के मोमेंटम को भी चेंज करेगी. भले ही ट्रक रस्ट में हो, पीछे से फास्ट स्पीड में कार आ जाए और ठुक जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो भाई ट्रक तो हिलेगी ही ना. हिलेगी तो सही ना, भले ही ब्रेक मारी हो लेकिन हिलेगी. ओके, सो वो चीज बोल रहे हैं कि मास उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो टकरा रहा है और उसका कोई फर्क ही ना पड़े और वापस वो सेम वेलोसिटी से पीछे आ जाए. उतना ज्यादा मास डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए. मास डिफरेंस होना चाहिए बट फ्यू टाइम्स, इसलिए वर्ड यूज किया गया है ओनली अ फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास. द मटेरियल मेकिंग ऑफ द लाइट न्यूक्लियाई, ये जो लाइट न्यूक्लियाई हमें बनाना है, ओके, तो वो किसका बना हुआ है? यूजुअली हैवी वाटर्स D2O. हैवी वाटर्स D2O मतलब हैवी वाटर्स, ये H2O जैसे होता है वैसे D2O. तो हाइड्रोजन के नहीं, ज्यादा मिनरल्स नहीं, वो तो अलग ही केस ही अलग है. ओके, वो तो DM वाटर बोलते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर, मतलब जिसमें से सारे मिनरल्स निकाल लिए हो. ओके, हैवी वाटर मतलब किस सेंस में? ज्यादा मिनरल्स है उस सेंस में हैवी वाटर नहीं. D2O मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, याद करो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिसे प्रोटियम भी बोलते हैं. यस, ओके, सो पहला है ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, अरे यार, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. ओके, समझ में आया? तो वो जो ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम है, तो उसमें हमने क्या लिया? ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन और प्रोटियम नहीं लिया. क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है. जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या दोनों है? बताया था मैंने केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन भी, प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है. ऐसा केस है क्या हाइड्रोजन में, या ऐसा नहीं है? बताया था केमिस्ट्री में, याद है? नहीं याद आ रहा. न्यूट्रॉन नहीं होता, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है. तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं. न्यूट्रॉन आता है कब? ड्यूटेरियम में, फिर ट्रिटियम में. पूरे 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है ही नहीं. समझ में आया? तो तुम हाइड्रोजन तो ले भी नहीं सकते, लिया तो कहां है, किससे टकराएगा? न्यूट्रॉन तो है नहीं. अंडरस्टूड? ओके, तो हमने क्या लिया हुआ है? नॉट H2O, D2O लिया हुआ है. ओके, मतलब है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन वो न्यूट्रॉन वाला हाइड्रोजन है, आइसोटोप है उसका, हाइड्रोजन का आइसोटोप. समझ में आया?
ओके, हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. तो कैसे था, हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. तो ये है वन और वन. वन है मतलब क्या, प्रोटॉन वन, इलेक्ट्रॉन वन, ये भी वन. अरे वो वन मतलब वो क्या है, एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन ही एक है तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसलिए तो जीरो है. यहाँ पे है फिर वन टू और यहाँ पर है वन थ्री. ओके, तो हम ये ले रहे हैं. ओके, ये ले रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. तो क्या बना, डी टू ओ. जैसे एच टू ओ बनता है वैसे क्या लिया हुआ है हमने, डी टू ओ. मतलब ये डी दो लिए हुए हैं, डी टू और ये ओ. डन, वो लिया हुआ है. और दूसरा हमने क्या लिया है, कार्बन बोल रहे हैं ना, तो कार्बन के लिए हमने क्या लिया हुआ है, ग्रेफाइट. इज कॉल्ड अ मॉडरेटर. तो वो मॉडरेटर है. वो क्या है, मॉडरेटर. देखो तुम्हें करना क्या है, यूरेनियम को तोड़ना है. किससे तोड़ना है, न्यूट्रॉन. ये समझ रहे हैं हम, न्यूमेरिकल तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ. क्या कर रहे हैं, ये हमारा यूरेनियम है, उसका फिशन करना है, मतलब तोड़ना है. तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, हमारे लिए फायदेमंद है. ठीक है, तोड़ेंगे. किससे तोड़ेंगे, न्यूट्रॉन से तोड़ेंगे. न्यूट्रॉन से तोड़े तो वो सिर्फ यहाँ पे यूरेनियम नहीं है, वो कंटेनर जो है ना, रिएक्टर, वो किसी में भरा हुआ होगा ना यूरेनियम, ऐसे खुला थोड़ी होगा. वो तो बहुत ही कम लेते हैं हम यूरेनियम, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा मिलती है. थोड़ा ही यूरेनियम लिया, बाकी सब क्या है, बाकी सब अंदर कुछ भरा हुआ होगा. क्या भरा हुआ होगा, या तो D2O भरा हुआ होगा. ओके, तो ये जो न्यूट्रॉन आ रहा है ना, वो D2O से टकरा के आ रहा है. ये जो न्यूट्रॉन जो टकराने आ रहा है, वो D2O से टकरा के आ रहा है. किसके पास, यूरेनियम के पास, या फिर ग्रेफाइट भरा हुआ होगा. तो फिर ये जो न्यूट्रॉन आ रहा है ना, वो कार्बन से, ग्रेफाइट मतलब फॉर्म ही है ना कार्बन का, एलोट्रॉप्स, टेंथ में पढ़ा था हमने. सो उसके साथ ऐसे टकराते किसके साथ, कार्बन के साथ टकराते. ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, समझ जाओ. ये टकराते आ रहा है, और टकराएगा किससे, फाइनली यूरेनियम से. तो यहां क्यों टकरा रहा है भाई, उसी लिए तो हमें तो स्लो डाउन करना है न्यूट्रॉन को. अगर डायरेक्टली टकरा दिया तो स्लो डाउन कहां हुआ, फिर तो वो 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा गया यूरेनियम से. ओके, समझ में आया क्या करने वाला है, समझ में आया. ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन विथ अ लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटेरियम और कार्बन. मतलब कि जिसका मास थोड़ा ही ज्यादा है, फ्यू टाइम्स देन दैट ऑफ द न्यूट्रॉन मास. मतलब इन शॉर्ट, यहां तक मैं जो बोला वो सब हम समझ रहे थे न्यूमेरिकल को. अब स्टार्ट करते हैं. तो क्या बोल रहे हैं, हमें प्रूव क्या करना है कि भाई, ये और थोड़ा समझा देता हूँ. देखो यहाँ यूरेनियम है, यहाँ पर सारा भरा हुआ है. क्या ये व्हाइट कलर से जो भरा हुआ है वो क्या है, सारा T2 हैवी वाटर है. और ये बंदूक में से मतलब ये न्यूट्रॉन आया तो ये टकराएगा, इसे टकरा के आके यहाँ यूरेनियम पे टकराएगा. डन, ये हमें करना है. तो इसकी स्पीड कम करनी है. फास्ट स्पीड में टकराएगा तो हमें जो डिजायर आउटपुट चाहिए वो मिलेगा नहीं. स्पीड कम करने के लिए हमने D2O लिया हुआ है, या तो फिर ग्रेफाइट लिया हुआ होगा तो कार्बन से टकराएगा, D2O लिया होगा तो ड्यूटेरियम से टकराएगा. कार्बन और ड्यूटेरियम का मास न्यूट्रॉन के मास से फ्यू टाइम्स ज्यादा है. D2O का, ड्यूटेरियम का मास और से कार्बन का मास, वो हमें बताया गया है. हमें प्रूव ये करना है, शो दैट, हमें ये प्रूव करना है कि जब ये न्यूट्रॉन यहाँ यूरेनियम यू यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जो टकराते आ रहा है ये, अरे कलर कहाँ गया, तो ये जो टकराते ये यूरेनियम तो है वहां पर, ये न्यूट्रॉन यहां से, ये सब क्या है, ड्यूटेरियम है. और कार्बन एक ही लो ना, ड्यूटेरियम है, चलो कार्बन को छोड़ो. तो यहां से जो टकरा के आ रहा है कौन, न्यूट्रॉन. ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, सपोज थी 100 जूल, तो मेजरली उसकी जो एनर्जी थी वो लॉस हो गई है. तो उसके पास सपोज रही, न्यूट्रॉन के पास रही कितनी, से 10 जूल, और 90 जूल कहां चली गई, ये जो इससे टकराया, कार्बन से टकराया तो कार्बन के पास चली गई, ड्यूटेरियम से टकराया तो वो ड्यूटेरियम के पास चली गई. फिर वो चली गई, वो तो गए, लेकिन ये स्लो स्पीड वाला जो, अब स्लो स्पीड वाला है ना, एनर्जी चली गई, तो स्लो स्पीड वाला जो न्यूट्रॉन है ना वो अब टकराएगा और वो न्यूक्लियर फिशन करेगा. ये है हमारा एक्सपेरिमेंट. डन, ओके, चलो तो समझ में आ गया क्या करना है. ओके, चलो तो हमें सिर्फ शो करना है कि उसकी मेजरली
काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर रहा है, कौन? न्यूट्रॉन, वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब कौन किससे टकरा रहा है? ड्यूटेरियम, कार्बन, ड्यूटेरियम लेते हैं, चलो ड्यूटेरियम से कौन टकरा रहा है? हमारा न्यूट्रॉन। तो ये सपोज है ड्यूटेरियम, वो रेस्ट पे है, अभी रेस्ट पे है, तो उसका मास कितना होगा? M2 ले लो इसको, M2 कुछ होगा, कितना होगा क्या? ओके, और से V2I वो कितना है? जीरो, रेस्ट पे है तो जीरो। अब यहां पे है मेरा न्यूट्रॉन, ये कल जो कोलिजन डिस्कस किया उसके बेस पे न्यूमेरिकल है, सो इसका मास होगा कुछ M1, और ये तो मूविंग है तो उसकी कुछ वेलोसिटी है V1I। डन। अच्छा, अब ये तो रेस्ट पे है, ये भाई साहब आ रहे हैं और उससे टकरा रहे हैं, ठीक है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बिफोर द मूवमेंट, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन हम बोलते हैं। तो अगर इक्वल ले ले, सो बिफोर द कोलिजन क्या होगा? मोमेंटम एम वन वी वन आई प्लस इसका क्या है एम टू वी टू आई इज इक्वल टू क्या होगा? एम वन वी वन एफ प्लस एम टू वी टू, यही होगा। ओके, वी टू आई तो रेस्ट पे है, स्पीड ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? सी। डन। ओके, तो हमारा फॉर्मूला आया एम वन वी वन आई इज इक्वल टू एम वन वी वन एफ प्लस एम टू वी टू एफ। डन। ओके, नाउ अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन की बात करें, कि भाई ये अब काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा मोमेंटम हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके, तो इनिशियल काइनेटिक, अभी हमारा कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट। हमारा कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन है। सो पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, से काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वन वी वी वन आई का स्क्वायर, इतना ही होगा। वन की मतलब न्यूट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन वी वन आई का स्क्वायर, उतना होगा। और तो वो हो गया, देखो के वन आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वन वी वन आई का स्क्वायर। व्हाइल इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी K1F is equals to, ये है हमारे पास K1F, क्या होगा? K1F that is equals to क्या होगा? half of M1 final, M1 mass तो उतना ही रहेगा लेकिन velocity change V1F का square, इतना ही होगा, correct। कल हमने V1F की value निकाली थी, elastic collision हो one dimension तो वो value तुम्हें याद रखनी है। यहाँ पे आते हैं, देखो directly ये रहा V1F, ये कोलिजन इन वन डायमेंशन जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन की बात की थी, तो ये हमारा फॉर्मूला था, क्या जो वी वन है वो याद रख लो, एम वन माइनस ऊपर माइनस नीचे प्लस एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू दैट इज इक्वल्स टू वी वन आई, मतलब के जो हमारा जो टकराने वाला है, जो भाग रहा है, उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू उसकी इनिशियल वेलोसिटी इनटू m1 माइनस m2 टू दी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। और वहां से हमें दूसरा भी मिला था, v2f इज इक्वल्स टू, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ जो रेस्ट पे था पहले उसकी क्या होगी? तो उसकी भी हमने v1i के रिस्पेक्ट में निकाली थी, कि v1i जितना है उतनी तो उसके पास चली गई, क्योंकि वही भाग रहा था ना, v1 भाग रहा था, तो v1 वाली तो उसके पास चली जाएगी, तो v1 आई तो वहां आएगा ही, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है? ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आए वहां फिर हम डिराइव करने जाएंगे नहीं, कितना लंबा था कल किया था याद है ना, ओके, सो ये वैल्यू हमें याद रख लेनी है। क्या है फिर से एक बार बताता हूं, V1F collision के बाद पहले वाले की velocity क्या होगी? तो जो उसकी initial थी V1I multiplied by M1 minus M2 upon M1 plus M2। अच्छा, V2F कितना होगा? अरे वो तो V1 से ही मिला हुआ है, तो V2F is equals to V1I और उसके multiply में twice M1 upon M1 plus M2। Done? Okay, चलो, तो ये हमने formulas रट लिए,
ओके नाउ फॉर्मूलाज रटने के बाद यहां हम वापस आ जाते हैं. हमने अभी ही बोला कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में V1F की वैल्यू कौन सी होगी. तो V1F की वैल्यू V1I जितनी ही होगी और मल्टीप्लाई में होगा क्या M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2. डन. ओके तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं. सो K1F की वैल्यू हो जाएगी हाफ M1 इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा V1I का स्क्वायर और यहां भी हो जाएगा M1 माइनस M2 टू द होल स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 टू द होल का स्क्वायर. डन. ओके तो देखो यहां किया हुआ है इन्होंने. हाँ किया हुआ है. सो हाफ ऑफ M1 V1I का स्क्वायर दैट्स इट जो हमारा है वो ये. ओके समझ में आ गया पक्का. तो अभी हमने क्या किया. अभी तो हमने मोमेंटम जो है वो लिखा कंजर्वड हो रहा है उसके बेस पे हमने ये लिखा और दूसरा हमने बोला कि भाई इनिशियली पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम वन वी वन आई का स्क्वायर. फाइनल कितनी होगी हाफ एम वन वी वन एफ द होल स्क्वायर. वी वन एफ तो हमें पता है फॉर्मूला उसकी वैल्यू पुट कर ली तो हमें फाइनल भी हमें इनिशियल के रिस्पेक्ट में ही मिल गई है. इनिशियल तो M1 और V1I के फॉर्म में है ही लेकिन फाइनल भी M1 और V1I के फॉर्म में है. अगेन M2 तो हमें M1 M2 दोनों तो पता ही होंगे लेकिन यहां पर कहीं पर भी V1F और V2F नहीं है. इनिशियल से ही हमें पता चल जाएगा. तो ये हमें पता चल गया. ओके आगे देखते हैं. द फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज दिस. ओ माय सर. चलो हम करते हैं आएंगे वहां कभी ना कभी तो आएंगे ना. हाँ सो इतना हमने कर लिया जो बुक में भी सेम है और वहां पे कुछ डायरेक्टली लिखा हुआ है लेकिन हम आगे बढ़ते हैं. आगे हमें क्या पता है. आगे हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या होगा K1F होगा. मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी को K लिख रहा हूँ. ओके K1F होगा क्योंकि वो मोशन में है. K अरे F कहाँ से I होगा ना I यस I K1I होगा इनिशियल. ओके फिर K2I लेकिन वो तो रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं तो मैं प्लस जीरो नहीं लिख रहा हूँ लिखू समझ गए ना. ओके तो K1I प्लस K2I ये क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है K1F प्लस K2F. डन. ओके अच्छा अब क्या करें. यहां से ले लेते हैं. चलो इसको मैंने इसको नीचे ले जाता हूं तो 1 इज इक्वल टू K1F प्लस K2F डिवाइडेड बाय K1I हो गया. इसको सिर्फ नीचे ले लिया दैट्स इट. ओके अगेन 1 इज इक्वल टू ये दोनों के नीचे ले लेता हूं सो K1F अपॉन K1I प्लस K2F अपॉन K1I. डन. ओके समझ में आ रहा है. क्या किया इसको नीचे ले लिया. नीचे लेने के बाद इसको और इसके नीचे ले गए. ओके तो 1 इज इक्वल्स टू मुझे ये मिला. ओके ये सी क्या हुआ. हाँ वैसे कूल तो हो ही गया. पट्टी करते हैं गर्मी लगी तो वापस आ जाएंगे. हाँ चलो कहाँ गए हम ये रहे. सो K1I को भी यहां ले गए और K1I को यहां भी ले गए. ओके सो इसको ये फ्रैक्शनल हमें मिला है. ये देखो यहाँ पे क्या है K1F अपॉन K1I मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में नीचे क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 क्योंकि 1 तो है ही ऊपर भी 1 नीचे भी 1. यहां पर भी देखो K2F के नीचे भी K1I है
इसका मीनिंग क्या है भाई? दूसरे के पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से? वन के पास से ही आएगी, वो तो रेस्ट पे था, उसने टकराया इसलिए काइनेटिक एनर्जी आई। तो इसको मैं बोल देता हूं, हाँ ओके, इसको मैं बोल देता हूं से एफ वन और इसको मैं बोल देता हूं एफ टू। समझ में आया कि इसको के वन एफ बाई के वन आई को मैंने क्या बोल दिया? एफ वन। ओके, इसको मैंने बोल दिया एफ वन और इसको बोल दिया एफ टू। डन। ओके, कौन सी? ये फाइनल इनिशियल नहीं है, रेशियो है ये। तो वो तो यहाँ इक्वल है, वो तो लिख दिया है, वो तो लिख ही दिया है ना कि ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। तो वो तो इक्वल कर दिया है हमने, फिर के वन आई नीचे गया और फिर ये रेशियो लाया हम, तो वन इज इक्वल टू दिस आया। ओके, अब ये मेरे पास वैल्यू है कौन सी? के वन एफ और के वन आई कहाँ है? ये रही, अभी तो किया मैंने। ओके, तो एफ वन की वैल्यू ढूंढता हूं मैं, किसकी? एफ वन की। एफ वन इज इक्वल टू क्या है? के वन एफ अपॉन के वन आई, यही है, ये रहा। ओके, तो के वन एफ की वैल्यू मैंने यहां ढूंढी हुई है, हाफ एम वन ढूंढी हुई है, मतलब पता है वी वन आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अरे यार गलत लिख लिया ना, वी वन एफ है एफ। ओके, और ये आई में क्या होगा? हाफ एम वन वी वन आई का स्क्वायर। डन। तो ये तो हाफ एम वन तो कट हो गया, तो ये क्या हो गया? वी वन एफ का स्क्वायर, हाँ, और वी वन आई का स्क्वायर। डन, हाँ या ना? दोनों का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा एफ वन आया, देखो। सो अब वी वन एफ की वैल्यू हमें पता है, अभी जो हमने रट्टा मारा वो जो थियरी में हमने देखा था, वी वन एफ की वैल्यू क्या थी? वी वन आई जितनी ही थी, लेकिन इनटू में था एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ओके, तो मैं वो वैल्यू लिख रहा हूं, तो यहां से क्या आएगा? एफ वन इज इक्वल टू वी वन एफ की वैल्यू मुझे पता है, वो क्या है? वी वन आई जितनी, और यहां पर होगा एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। लेकिन यहां तो स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, स्क्वायर और ये स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, हाँ, डिवाइडेड बाय वी वन आई का स्क्वायर जो नीचे था वो, ये वी वन आई का स्क्वायर तो नीचे से था ही, वी वन एफ की वैल्यू जो हमने रट्टा मारी हुई है ये रही। ओके, वो यहां पर पुट कर दी, और वो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया। डन। अच्छा, अब ये दोनों तो सेम है तो कट हो गया, ये दोनों तो सेम है तो कट हो गया, तो यहां पे आया क्या? एम वन माइनस एम टू टू दी होल स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू टू दी होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? एफ वन। डन। तो आ गया। ओके, तो ये पूरा, ओके, ये तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, देखो यहां जो ब्रैकेट में हमने ये बॉक्स में किया है उतना तो ये रहा, फिर ये जो स्टेप्स लिखा हुआ है उसके लिए ये सब कुछ हमने किया, तो हम ऐसा याद नहीं रख सकते और ऐसा बोल भी नहीं सकते कि हमें पता है, नहीं, लाना पड़ेगा। तो कैसे लाए? कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल रह रही है, वो हमने फॉर्मूला यूज किया, मतलब फंडा यूज किया, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल क्या है? के वन आई है, के टू आई तो रेस्ट पे था, मास टू, और यहाँ पे के वन एफ और के टू एफ, ओके, दोनों इक्वल है। ये के वन आई को नीचे ले गए तो यहाँ कुछ नहीं है, तो वन तो है, तो नीचे चला गया। अब ये दोनों के नीचे चला गया, दोनों के नीचे चला गया, तो इसको 1f by 1i जो है उसको f1 नाम दिया, और 2f by 1i है उसको मैंने f2 नाम दिया, मतलब 1 is equals to f1 plus f2 हो गया। अब f1 की वैल्यू ये है, वो वैल्यू हमें पता है क्या? k1f, तो k1f मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट वन, तो वो क्या होगा? हाफ m1 v1 f टू द होल स्क्वायर, तो वो मैंने पुट कर दी, और नीचे हाफ एम वन बी वन आई टू दी होल स्क्वायर, वो भी पुट कर दी, दोनों ये तो कट हो गया, एम वन
V1F का स्क्वायर V1I का स्क्वायर। V1F की वैल्यू तो हमने रट्टा मारी हुई है, तो वो वैल्यू पुट की, वो वैल्यू पुट की तो वो कट हो गया, कट हो गया तो रहा क्या M1 minus M2 upon M1 plus M2 to the whole square है, तो तुम ऊपर भी और नीचे भी स्क्वायर लिख सकते हो, तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो दोनों सेम ही है। ये हमें मिली किसकी वैल्यू, एफ वन की वैल्यू। ये एफ वन की वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये एफ वन है क्या वो समझो, K1F upon 1I, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट थी वो कितनी रही, 1F मतलब रही है, रही के मतलब न्यूट्रॉन इतनी स्पीड से आ रहा था, अभी कोलिजन के बाद 1F उसकी कितनी रही, बाकी कितनी रही, वो है ये रेशियो। और 2F by 1I तो 2F मतलब वो जो ड्यूटेरियम था वो उसको 1I टकराया, 1 टकराया 2 को 1 टकराया, तो उसको कितनी मिली वो रेशियो ये है। तो ये न्यूट्रॉन की कितनी कम हुई वो शो कर रहा है, और ये ड्यूटेरियम को कितनी मिली वो शो कर रहा है। डन, समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो रेशियो है 1F by 1I, 1F, 1F मतलब फाइनल फर्स्ट की, तो फर्स्ट की फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट की इनिशियल, तो फर्स्ट की फाइनल मतलब कितनी बची टकराने के, फाइनल मतलब टकराने के बाद, तो टकराने के बाद कितनी बची, पहले कितनी थी, तो पहले के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो कितनी बची, वो रेशियो दे रहा है। और 2 की फाइनल, कि 2 की फाइनल कितनी मिली, क्योंकि पहले तो वो जीरो थी, तो अब कितनी मिली, कब फाइनल है ना, मतलब टकराने के बाद कहां से आई, 1I की वजह से आई, तो ये वो शो कर रहा है क्या, कि टकराने के बाद पहले की कितनी कम हो गई और दूसरे की कितनी बढ़ी, वो रेशियो ये दोनों शो कर रहे हैं। ये मैंने बोल दिया, पता नहीं बुक में क्या लिखा है या नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं शायद, मैं तो पहले ही बोला, बताना पड़ेगा ये, लेकिन समझ गए। अब आगे करते हैं, तो ये मैंने वैल्यू निकाली किसकी, एफ वन की। अच्छा, तो ये एफ वन की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास ये फॉर्मूला भी तो है, तो यहां से हम F2 भी निकाल सकते हैं, F2 is equals to 1 minus F1, so F2 is equals to 1 minus F1 की जगह क्या लिखेंगे, M1 minus M2, ढूंढा हुआ है उन्होंने, हाँ ढूंढा हुआ है, so M1 minus M2 to the whole का square upon M1 plus M2 to the whole का square, वही है, कहाँ गया, ये रहा, so F2 is equals to 1 minus F1, 1 minus F1, और F1 की वैल्यू, हाँ सही है, ओके, so कितना हो जाएगा, ये LCM आ जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा, so M1 plus M2 to the whole का square minus M1 minus M2 to the whole का square upon M1 plus M2 to the whole का square, done, तो मुझे तो करनी है, हाँ तो क्या हो गया अब, तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, ओके, सो m1 का स्क्वायर प्लस m2, बहुत लंबा है यार, यहां लिखता हूं हाँ देखो, ओके, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस m1 का स्क्वायर माइनस प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ 2ab के आगे प्लस, इसमें वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लगा सकते, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर नहीं लगा सकते, नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमें मल्टीप्लिकेशन में आंसर मिलेगा, हमें मल्टीप्लीकेशन में आंसर मिलेगा, लगा सकते हो वैसा कुछ नहीं, चलो वो दोनों लगाते हैं, ओके, ये क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो वैसे भी कटने ही वाला है, ये सब वैसे भी कटेगा, देखो ये माइनस यहाँ गया तो प्लस माइनस कट हो गया, ये भी कट हो गया तो कट होगा, और वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ये ए का स्क्वायर हो बी का स्क्वायर, कर ही सकते हैं, ओके कर सकते हैं, और यहाँ नीचे क्या है, एम वन प्लस एम टू टू दी होल का स्क्वायर, तो ये साइन अंदर जाएगी, साइन अंदर जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये भी हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो एम वन और माइनस, तो ये माइनस और प्लस गए, ये भी प्लस और माइनस गए, और ये प्लस और प्लस क्या हो गए, फोर, ये क्या हो गया, फोर ए बी, टू ए बी प्लस टू ए बी, फोर ए बी, डन।
अब नीचे वही आ रहा है ना, हाँ, और नीचे तो नीचे करना है क्या? नहीं नीचे नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये क्या ढूंढ रहे हम F2, हाँ तो F1 में भी नीचे स्क्वायर वाला है ना, तो रहने दो M1 प्लस M2। अरे ये भी कहाँ से आ गया, ये भी मतलब M1 M2 है भाई। तो ये फॉर्मूला में ये क्या है, ए मतलब M1, बी मतलब M2, ये M1 ये M2, तो क्या आ गया 4AB मतलब 4M2 M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टू द होल का स्क्वायर, डन। तो ये हमें M1, ये हमें F1 भी मिल गया और ये हमें F2 भी मिल गया, डन। ओके चलो, तो F1 F2 आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, चलो। वन कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस रिजल्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ ठीक है हम तो ले आए, चलो अब समझते हैं। ये तुम्हें याद ही रख लेना है, वैसे तो उन्होंने भी बोला है क्वेश्चन में क्या कि ड्यूटेरियम लो या कार्बन लो, उसका मास न्यूट्रॉन के मास से फ्यू टाइम्स ज्यादा है, फ्यू टाइम्स मतलब से 2 times 3 times 4 times, ऐसा नहीं कि 1000 times, नहीं तो वो वाला केस हो जाएगा, बॉल और ट्रक वाला। ओके तो थोड़े टाइम्स ज्यादा है, 2 times हो 3 times हो 5 times ऐसा। ओके सो देखो, फॉर ड्यूटेरियम M2 इज ट्वाइस M1, देखा सिर्फ 2 times ज्यादा है, मतलब न्यूट्रॉन का मास जितना होगा उसका डबल करेंगे वो ड्यूटेरियम का है, डन। सो M1 हमारा न्यूट्रॉन है और M2 ड्यूटेरियम है, सो ट्वाइस M1 करेंगे तो हमें M2 मिल जाएगा, एंड वी ऑब्टेन्ड 1/9। कैसे ऑब्टेन करते हैं ना, इसमें कहा इतना कुछ किया, तो फिर ये देखो बस अब छोटा नहीं होगा, ना बोल रहा है ये ना बोल रहा है, ठीक है तो हम इसको छोटा कर देंगे। तो कहाँ गए हम, F1, ओके F1 कहाँ है, ये रहा F1, ओके सो F1 में क्या है, देखो M1 माइनस M2 टू दी होल स्क्वायर, हमारा हम क्या ले रहे हैं, न्यूट्रॉन का मास कम है और उसका ज्यादा है ड्यूटेरियम का, यस। तो क्या ले रहे हैं हम कि से M2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ M1, ज्यादा है मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ करेक्ट, ओके न्यूट्रॉन का कम है, ओके ट्वाइस ऑफ M1, सो लिखो M2, तो यहाँ पे क्या है M1 माइनस M2 की जगह क्या है ट्वाइस ऑफ M1 अपॉन M1, M2 की जगह क्या है ट्वाइस ऑफ M1, ये दोनों का स्क्वायर है, ओके सो ये क्या हो गया माइनस M1 टू द होल स्क्वायर, मतलब M1 का स्क्वायर, ओके और यहाँ पे कितना है 3M1 टू द होल स्क्वायर, मतलब 9M1 का स्क्वायर, M1 स्क्वायर कट, तो F1 की वैल्यू आई 1/9 आ गई, डन। ओके वैसे ही हम M2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस M1 F2 में रखेंगे यहां पर, तो हमें मिलेगा 8/9, लो ना भाई, ओके तो 4M2 M2 की जगह रखना है हमें ट्वाइस M1, तो ट्वाइस M1 अपॉन M1 इनटू M1 अपॉन M1 प्लस M2, तो M1 तो M1 ही है लेकिन M2 है हमारा ट्वाइस M1 टू द होल का स्क्वायर, तो ये 4 × 2 = 8 हो गया, 8M1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3M1 का स्क्वायर, 3M1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9M1 का स्क्वायर, और ये 4 × 2 = 8M1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो M1 square कट, तो 8/9 आ गया, डन, बस न्यूमेरिकल खत्म। तो क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, अगर तुम निकालो F1 ये आया 1/9, तो 1/9 मतलब ऑलमोस्ट कितना आएगा 0.1 जैसा आएगा, 0.1 जैसा आएगा ना, 1/9 1 / 9, तो पॉइंट ही नहीं चल रहा है, तो 0.10, तो अभी 9 × 1 = 9, 1 0 कितना आया 0.11 आया, तो मतलब 10% हम बोल सकते, ये 1/1 आया, टोटल 1 है, F1 प्लस F2 कितना है 1, ये 1/1 आया तो वो कितना होगा 8/9, तो अभी तो टोटल 1 आएगा, तो ये क्या है मेरा से F1 और ये क्या है F2, तो F1 क्या शो कर रहा है, अब मैं जो बोल रहा था वो F1 क्या शो कर रहा है कि न्यूट्रॉन की कितनी एनर्जी बाकी बची है कोलिजन के बाद, तो कितनी बची है कहाँ गया, ये रहा 0.11, परसेंटेज में निकाल लो तो 11% ही बाकी बची है सिर्फ,
सिर्फ 11% न्यूट्रॉन की एनर्जी बाकी बची है, तो कहां गई? 89% एनर्जी लॉस कर दी उसने, कहां गई वो? वो 89% ये भाई साहब ने ले लिया, किसने? ड्यूटेरियम ने और कार्बन ने। तो ये शो करना था तो वो शो कर दिया, कि शो हमें वैल्यू से नहीं करना था, हमें तो बोलना था मेजरली लूज कर रहा है, तो मेजरली 90% लॉस कर दिया और 10% रहा तो मेजरली लूज ही कर दिया, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, देखा, अंडरस्टूड? ओके, और फिर लास्ट सेंटेंस फॉर कार्बन, अगर कार्बन ले तो कार्बन ले तो फिर M2 is equals to twice M1 नहीं होगा, कुछ और होगा, 3M1 whatever जो भी उसका मास हो। तो अगर हम कार्बन ले तो ये डेटा क्या आ रहा है वो तुम्हें गिन के बताना नहीं है। ओके, फॉर कार्बन F1 आ रहा है अराउंड 71.6 एंड F2 आ रहा है 28.4। मतलब अगर कार्बन लिया तो एनर्जी कम लूज हो रही है न्यूट्रॉन की, क्योंकि कितनी लूज हो रही है? 71% ही लूज हो रही है। ओके, 71% ही 71% तो है उसके पास, कितनी बाकी बची? तो F1 क्या शो कर रहा है, कितनी बाकी बची? इसकी 11% बाकी बची थी, बाकी सारी उसने लूज कर दी। तो यहां ये क्या शो कर रहा है, F1 71% तो बाकी है, तो लूज कितना किया उसने? ओनली 28, 29। ये लूज है, ये 0.9। देखो ये F1 जो हमने ढूंढा वो F1 क्या है, K1 है भाई, K1 है। So, K1F मतलब कोलिजन के बाद 1 की कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू K1I, मतलब इनिशियल के रिस्पेक्ट में फाइनल कितनी है, तो फाइनल कितनी है मतलब कितनी बाकी है, तो F1 क्या बता रहा है, कितनी बाकी है, तो ये भी कितनी बाकी है वही बता रहा है, तो 71 बाकी है। तो कार्बन लोगे तो फिर फायदा नहीं है ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी उसके पास ही रह रही है, किसके पास? न्यूट्रॉन के पास। लेकिन हमने ड्यूटेरियम लिया तो अच्छे से वो पास ऑन हो गया है इन प्रैक्टिस। अभी ये तो कैलकुलेशन के लिए था, एक्चुअल में ये नहीं है इन प्रैक्टिस। हाउएवर दिस नंबर इज स्मॉलर सिंस हेड ऑन कोलिजन आर रेयर। तो ये जो डेटा है वो हेड ऑन कोलिजन के लिए है। हेड ऑन कोलिजन मतलब क्या? वन डायमेंशनल कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब ये यहाँ पे रेस्ट पे है, न्यूट्रॉन आया और ड्यूटेरियम के टकरा गया, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट वन डायमेंशनल कोलिशन। लेकिन इन प्रैक्टिस वन डायमेंशनल कोलिशन नहीं करते हैं हम, ड्यू टू सेवरल रीजंस। ओके, ये तो पढ़ाई करने के लिए था, एनालिसिस करने के लिए था, इन प्रैक्टिस नहीं होता। तो इन प्रैक्टिस वन डायमेंशनल नहीं होता, नहीं होता, तुम ऐसे एक ही डायरेक्शन में नहीं, ओके, ऐसे टकराओगे तो फिर ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही जाना है, वो तो ऐसे भी जाएगा भाई। तो हम कैसे बोलेंगे कि ऐसे ही जाएगा, हमने उसका पाथ भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कि यहां कोई है वो, ऐसा समझो पाइप है, पाइप में आगे बॉल पड़ा है और पीछे से तुम दूसरा बॉल मार रहे हो, तो उसके पास एक ही रास्ता है क्या? आगे बढ़े। तो ये ऐसा केस हो गया, उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। लेकिन एक्चुअल सेंस में हेड ऑन कोलिजन होता नहीं है, एक्चुअल सेंस में मतलब प्रैक्टिकल केस में। डन, वो तो इंफॉर्मेशन के लिए है, बट हमें ये 90% और से 10% तक का आंसर लाना है। क्या किया? वेरी, बुक में तो ऐसे छोटा सा लगेगा बट हाँ छोटा सा ही लगेगा बट वेरी लेंथी। क्या हुआ देखो, सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन गिवन है, वो डेटा क्या गिवन है वो लिखो। ओके, इलास्टिक कोलिजन है, ओके, इलास्टिक कोलिजन है, M2 रेस्ट पे था, M1 वेलोसिटी पे है, ये रेस्ट पे है, वेलोसिटी, ठीक है। हमें दो चीज ही कैलकुलेट करनी है हर बार, कौन कौन सी? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम कंजर्व रह रहा है और काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन एंड कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस हो रही है। लॉस हो रही है मतलब इनिशियल ज्यादा है कंपेयर टू द फाइनल, ये हमने थियरी में देख लिया था। ओके, तो यहाँ तो न्यूमेरिकल इलास्टिक के ही गिवन होंगे, लॉस होगा तो फिर उनको बोलना पड़ेगा कि कितना लॉस है, वो बोल सकते हैं कि इतना लॉस है तो तुम फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तो हमने मोमेंटम इक्वेट कर दिया, V2 M2 तो रेस्ट पे था उसको जीरो कर दिया, तो ये हमें एक इक्वेशन मिला। एक्चुअल में वो इक्वेशन का शायद हमने यूज ही नहीं किया, यस उसका हमने यूज ही नहीं किया है। ओके, लेकिन हमने जो हमें पता है क्या, कि कोई भी थियरी हो कोलिजन की, कोई भी न्यूमेरिकल हो, दो चीजें तो करनी है, क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम पहले हमने कर दिया, फिर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी M1 की वो है हाफ M1 V1I2, फाइनल कितनी है तो हाफ M1 V1F का स्क्वायर। M2 की कितनी इनिशियल है? हाफ M2 V2I2। 2 की कोलिजन के बाद कितनी है तो हाफ M2 V2F टू द होल स्क्वायर, दैट्स इट।
तो ये हमें पता चला। लेकिन यहाँ पे हमारे V1F तो हमने रट्टा मारा हुआ है कि V1F की वैल्यू कितनी है, V1I जितनी ही होती है इन टू एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, और V2F की वैल्यू भी हमने रट्टा मारी हुई है इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल के केस में जो होती है V2F इज इक्वल टू अगेन V1I ही होता है लेकिन ट्वाइस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू के मल्टीप्लीकेशन में होता है वो। तो V1F की वैल्यू हमने पुट कर दी, V1F की वैल्यू पुट कर दी तो हमें K1F मिल गया पूरा। नाउ हमें पता है क्या काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल ही रहती है इनिशियल और फाइनल, कब, इलास्टिक कोलिजन के केस में। सो इलास्टिक कोलिजन में हमने लिख दिया K1I, K2I नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे था। ओके, तो वो रेस्ट पे है तो K1I इस साइड और इक्वल टू के उस साइड कोलिजन के पार जा रहा है। ओके, तो वो लिख दिया। अभी इसको नीचे ले जाए तो वन रहेगा, फ्रैक्शन में ले आए, इसको F1 नाम दिया, इसको F2 नाम दिया, ठीक है। अब F1 की वैल्यू ये जो हमने ढूंढा है वहां से निकाल सकते हैं, तो वो वैल्यू हमने कट 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 कर करके और वो V1F की वैल्यू फाइंड करके हमने निकाल ली, V1 M1 minus M2 to the whole square upon M1 plus M2 to the whole square। अब हमें पता है कि one is equals to, ये हमने प्रूव ही किया, लेके ही आया है F1 plus F2, F1 की वैल्यू हमें मिल गई, तो F2 ढूंढना है तो 1 minus F1 कर दो, तो वो कर लिया, LCM ले लिया तो F2 की वैल्यू भी हमें मिल गई। सो F1 की वैल्यू है ये और F2 की वैल्यू है, आ गया, कहीं किया था ना हमने, ओके ये F2 है, ये LCM कर लिया, ये स्क्वायर ये रही, ओके ओके, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू है, F2 की वैल्यू है। अब बस F1 F2 ढूंढ लिया, हाँ ढूंढ लिया, अब क्या करें, बस अब डेटा लो कि भाई न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन की मास की कंपेयर में ड्यूटेरियम का मास फ्यू टाइम्स ज्यादा होता है, तो टू टाइम्स लिया हमने, सो M2 इज इक्वल टू ट्वाइस M1, वो वैल्यू हमने F1 में भी पुट की, वो वैल्यू हमने F2 में भी पुट की, F1 हमारी वैल्यू आई अराउंड 11% और F2 हमारी वैल्यू आई परसेंट में, हाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करके अराउंड 89%, तो हम 10 और 90 बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि रही कितनी, 1 के पास ओनली 10%, मतलब 90% तो लॉस कर गई। वही पूछा था कि शो करो कि ज्यादातर वो एनर्जी क्या कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है, क्यों, वही हमारा मोटो था स्लोइंग डाउन दी न्यूट्रॉन, उसको स्लो ही तो करना था, तो स्लो कर दिया, एनर्जी लूज कर दिया, मतलब क्या, वो लूज, वो स्लो हो गया, अंडरस्टूड, पक्का न्यूमेरिकल समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हाँ बुक में लगता है कि सीधा साधा थोड़ा सा है लेकिन लेंदी है, ओके okay?